नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट बीजेपी के साथ सीएम योगी का गढ़ रही है। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी के नामांकन में गोरखपुर से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा इस बार 300 सीटें पार कर रही है। शाह ने कहा कि पूर्वांचल और पश्चिम यूपी माफियाओं के नाम से जाना जाता था, लेकिन योगी ने उनसे मुक्ति कराने का काम किया। अब माफिया तीन जगह ही मिलते हैं, जेल, प्रदेश से बाहर या फिर सपा की सूची में। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी, आज माफिया पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर करता है। सीएम योगी ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। मोदी जी भी वाराणसी से सांसद बनकर गए हैं। जब तक यूपी का विकास नहीं होता है, देश का विकास असंभव है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें आज गोरखपुर से नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सानिध्य मिल रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह ने देश में 370 हटाने का कार्य किया है। यूपी में 5 वर्षों के दौरान डबल इंजन की सरकार ने सभी की अपेक्षाओं पर उतरने का प्रयास किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सीएम योगी ने भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के दर्शन व पूजन किया। यूपी के हमीरपुर जिले के राज डिपो बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लगभग बस में सवार 45 यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। बस धीरे धीरे आग का गोला बन गई। सर, हम यहाँ से हमीरपुर से कानपुर की ओर जा रहे थे और जैसे ही यहाँ दुर्गा मोड़ के पास पहुंचे, अचानक इंजन के पास से आग जलने लगी। खबर गाजीपुर से है, जहां भुरकुरा शाहपुर सोमर राय गांव में नहर में देर रात एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जोखनिया से भुरकुरा जाने वाली नहर में गोदाम के बगल में एक बुलेट शव के पास बरामद हुई है। गांव वाले आनन फानन में युवक को जोखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाते ही भुरकुरा कोतवाल शिव प्रताप वर्मा फोर्स के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल करने लगे। गाँव के लोगों ने बताया कि इसका नाम पंकज कुमार है और इसकी उम्र 27 वर्ष, पिता का नाम राम अवध राम शाहपुर सुमर राय गांव का रहने वाला है और यह युवक किसी को छोड़ने गया था। युवक की बॉडी से शक लगता है कि युवक की किसी के द्वारा हत्या कर नहर में फेंक दिया गया है। देखिए, घटना यह है कि कल रात में एक पंकज कुमार नाम के लड़के की डेड बॉडी मिली थी नहर में और वो बुलेट मोटरसाइकिल के साथ ही नहर में मिला हुआ था। प्राइमा फेसी देखने पर लग रहा था कि ये एक्सीडेंट है और इसको ले गया जब अस्पताल में तो इसको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। आज उनके परिवारी जनों ने एक तहरीर दिया है कि साहब, ये जो रानू सिंह है और सत्यम है और 3 अन्य लोग हैं जिनको उसने नामजद किया है, कि साहब इन्होंने उसको मार दिया है, इस पर हमने हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की व्यवस्था की जा रही है। सर, आपके निरीक्षण के दौरान कोई इसमें उनके बताने में और आपके वो निरीक्षण द्वारा कोई उसमें फर्क मिला है या? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन है, उनके बताने पर और हमारे घटना के निरीक्षण पर उन्होंने जो दिखा रहे हैं कि साहब यहाँ पर मारा है, उसका हमने सबूत इकट्ठा कर रहे हैं हम और उसको जांच करने के लिए भेज देंगे, तो जैसे जो रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बरेली में एक शिक्षक की गलत आदतों की वजह से परेशान होकर उसके बेटे ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि सीढ़ियों से गिरने से उसके पिता की मौत हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के महादेवपुरम कॉलोनी निवासी 48 वर्षीय प्रदीप, जिनकी हत्या उनके बेटे गजानन ने की है। प्रदीप बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में सहायक अध्यापक के तौर पर तैनात थे। उनका शव कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला था। बेटे ने पुलिस को सूचना दी थी कि पापा सीढ़ियों से नीचे गिर गए। वहीं जब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि शिक्षक प्रदीप की गोली मारकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने मृतक के बेटे से कड़ाई से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। वहीं आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बहेड़ी के अंतर्गत 1 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक किराए के घर में एक व्यक्ति है, उनको वो अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस की तरह मौके पर पहुंचा गया और शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम से जो मृत्यु है वो हत्या पाई गई। पुलिस के द्वारा इसमें जो छानबीन की गई उसमें जो मृतक के बेटे गजानन है उन्हीं के द्वारा इसमें हत्या करने की बात सामने आई और जो कारण बताया गया उसमें संपत्ति का विवाद, इसमें जो पत्नी और पति है उसके बीच में संपत्ति का विवाद बताया गया। पूर्व में भी पत्नी के द्वारा इसमें जो मृतक हैं उनको उनके ऊपर 307 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उनको काफ़ी समय तक इसमें जेल भी रहना पड़ा था।
पुलिस के द्वारा इसमें जो मृतक के बेटे हैं जो इसमें अभियुक्त हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान जनपद जालौन के कोतवाली पुलिस को एक अहम सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार के निर्देशन में जालौन कोतवाली निरीक्षक शैलेंद्र सिंह की टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में अकोड़ी दुबे के पास 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। खबर बहराइच से है जहां 287 विधानसभा क्षेत्र प्रयागपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश श्रीवास्तव अपना नामांकन कराने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। बता दें कि उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन कराने का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा क्षेत्र कटहरी 270, टांडा 278, आलापुर 279, जलालपुर 280, अकबरपुर 281 अधिसूचना जारी की जा रही है। छठे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है। अलग अलग विधानसभा के लिए कलेक्ट्रेट में अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।